Hello students, welcome back to your science class. This is your Diksha Miss and we are studying chapter Nutrition in Plants. So far we have studied about what is nutrition, what are the two modes of nutrition, and in the last lecture we have studied about photosynthesis. फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है. तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को समझा होगा और पढ़ा होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और ये स्टार्च जो है, स्टार्च की प्रेजेंस जो है लीव्स में, वो इंडिकेट करती है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक प्लांट में, उस प्लांट में टेक्स प्लेस हुआ भी है, ऑकर हुआ है कि नहीं हुआ है. तो स्टूडेंट्स आज भी, आज का हमारा टॉपिक एक एक्टिविटी है, हम यही एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1.1 है. टू शो डैट लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इस एक्टिविटी में हम क्या इन्फर निकालने वाले हैं, क्या ऑब्जर्वेशन निकालने वाले हैं कि सनलाइट जो है वो भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो लीव्स हैं वो भी स्टार्च क्या है, एज फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस. मटेरियल्स रिक्वायर्ड है हमारे पास. हमने क्या करना है, दो पॉटेड पॉट्स लेने हैं ग्रीन प्लांट्स के, और वो प्लांट्स होने चाहिए सेम वेराइटी के होने चाहिए. आयोडीन सोल्यूशन चाहिए एंड ड्रॉपर चाहिए. प्रोसीजर क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, टू पॉटेड प्लांट्स लेने हैं जैसे हमने बोला मटेरियल्स रिक्वायर्ड में, और उनको एक को पॉट ए लेबल करना है, एक को पॉट बी लेबल करना है. सेकंड स्टेप में क्या है, हमने पॉट ए को डार्क में रख दिया है, या हम एक ब्लैक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं उसमें रखना है, और पॉट बी को सनलाइट में रखना है फॉर 3-4 डेज के लिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हम 3-4 डेज के बाद उन कि लीव्स को हमने क्या करना है, प्लग करना है फॉर द टेस्ट ऑफ स्टार्च. हमने क्या करना है, उनकी लीव्स लेनी है दोनों पॉट्स की, और 2-3 ड्रॉप्स दोनों की लीव्स पे क्या करना है, पॉट्स की लीव्स पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और अपना रिजल्ट क्या है नोटबुक्स पे नोट डाउन करके रखना है. लास्ट स्टेप है हमारे पास. लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने जो पॉट ए था पहले, हमने जो डार्क में रखा था, ब्लैक बॉक्स में रखा था, उसको भी हमने क्या किया है 3-4 दिन के बाद सनलाइट में रखा है 3-4 दिन के लिए. ठीक है, और उस पर भी क्या किया है, हमने उनकी लीव्स पे भी फिर वापस आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया है स्टार्च के लिए. ठीक है, और हमने क्या किया है, दोबारा रिजल्ट्स को हमने नोट डाउन किया है नोटबुक पे. तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लीव्स हमने पहले पॉट ए की लीव्स जो हमने डार्क में रखा था पॉट, उसकी लीव्स को जब हमने आयोडीन टेस्ट किया, उस पर ड्रॉप्स डाली आयोडीन के, तो उसने ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं किया, लेकिन जो पॉट हमने सनलाइट में रखा था उनकी लीव्स ने, उस पॉट की लीव्स ने ब्लू ब्लैक कलर शो किया. उसके बाद क्या हुआ, जब हमने फर्दर पॉट ए को जो पहले डार्क में था उसको हमने जब वापस सनलाइट में रखा, तो उसकी लीव्स ने भी क्या किया, ब्लू ब्लैक कलर शो किया. स्टूडेंट्स ये जो हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया है, ये आयोडीन टेस्ट जो है ये हम परफॉर्म करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ, फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन के बाद हमारी क्या इन्फ्रेंस निकलती है, हमने क्या प्रूव किया कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, और स्टार्च जो है वो भी एक प्रोड्यूस होता है स्टार्च भी एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैसे, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होती, देखो जो हमने डार्क में रखा पॉट, अगर उसमें स्टार्च बना होता तो वहाँ पे जब हमने आयोडीन डाला, ड्रॉप्स डाली, तो वहाँ पे उनकी लीव्स ने ब्लू ब्लैक कलर शो कर देना था, लेकिन वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं हुआ. लेकिन वहीं जो पॉट सनलाइट में पड़ा था उनकी लीव्स पे, उसकी लीव्स पे जब हमने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया, तो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया. तो इसी से हमें पता चलता है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और स्टार्च भी क्या है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें मिलता है.
ये है हमारे पास डायग्राम। डायग्राम में हमने क्या है, पॉट ए को डार्क में रखा है, पॉट बी को सनलाइट में रखा है। पॉट ए के लीफ पे जब हमने स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया है आयोडीन ड्रॉप डाल के, तो वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आया, उस पर कोई कलर नहीं आया था लीफ पे। लेकिन वही जब हमने पॉट बी के लीफ पे आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया है, तो वहाँ पे ये ब्लू ब्लैक कलर आया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, जिससे कि हमें पता चला था स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोसेस के टाइम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपका टेक्स्ट बुक का ये टॉपिक है, टॉपिक 1.3 है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो फॉर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है जो ग्रीन प्लांट्स में होती है, जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वे आर द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ग्रीन प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं वो प्लांट्स? और वो अपने, अगर वो जिंदा रह रहे हैं, अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं? सबको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स पे डिपेंड हैं खाने के लिए, वैसे ही ये प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पे, और ये यूज़ करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स जब हमने टॉपिक पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, उसमें हमने पढ़ा था कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है, उनको हमने, उन प्लांट्स को हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स बोला था। वो कौन सी न्यूट्रिशन लेते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है, हमने अदर मोड्स हैं न्यूट्रिशन के जो कि प्लांट्स में होते हैं, दे आर फोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब वो जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, दैट इज पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स एंड सिम्बियोटिक प्लांट्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या है? दो वर्ड से बना गया है, दो वर्ड से बना हुआ है पैरासिटिक वर्ड, पैरा एंड सिटिक। पैरा का मतलब है अदर एंड सिटिक का मतलब है डिपेंडेंट, जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड है, दूसरों पे डिपेंड है, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है? ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम देम, उनसे ही अपना खाना क्या करते हैं, लेते हैं। इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि ये नॉन ग्रीन प्लांट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, जिन पे ये रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। होस्ट क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड। जिन पे रह के, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रह के ये नॉन ग्रीन प्लांट्स उनका खाना लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। और पैरासाइट क्या हुआ? पैरासाइट वो प्लांट है जिस, जो होस्ट से अपना खाना, उन होस्ट से अपना खाना मतलब कि उसके न्यूट्रिएंट्स, उसका फूड क्या करता है? डिप्राइव, उसके न्यूट्रिएंट्स लेता है अपनी न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। एग्जांपल हमें दी गई है यहाँ पे केस्क्यूटा की, इसको कॉमनली हम अमरबेल या डॉडर प्लांट भी बोलते हैं। ये क्या करता है? कॉमनली ग्रो करता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे, पिचूनिया एंड डहलिया, आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे तीन नेम्स है, केस्क्यूटा, डहलिया एंड पिचूनिया। तो यहाँ पे पिचूनिया और डहलिया क्या है? ये वो प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जिस पे ये वाला केस्क्यूटा जो है ग्रो करता है और इसी से अपनी न्यूट्रिशन, इन दोनों प्लांट से, इन्हीं प्लांट से अपनी न्यूट्रिशन लेता है। तो ये दोनों प्लांट्स क्या हुए? एज होस्ट, ठीक है। और केस्क्यूटा क्या है? ये पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है, जो कि इन पे ग्रो करता है और उनसे न्यूट्रिशन लेता है। क्या है ये प्लांट एक्चुअली? ये है हमारे, ये प्लांट एक्चुअली, दिस प्लांट प्रोड्यूसेस, ये प्लांट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है
येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। इस प्लांट में क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है ट्यूबलेट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, येलो कलर के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, करता है ये प्लांट। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, अटैच करते हैं अपने आप को होस्ट से और उसी पे रैप हो जाते हैं, ट्वाइन हो जाते हैं, ऐसे करके ट्वाइन हो जाते हैं उसी प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस पे, ठीक है। और इसके लीव्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो गए होते हैं माइन्यूट स्केल्स की फॉर्म में। और जब हम, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम प्लांट्स की, तो इनमें क्या है, क्लोरोफिल भी क्या है, एब्सेंट होता है। ये है हमारे पास एग्जांपल केस्क्यूटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। ये देखो ये ट्री पे रह रहा है, ग्रीन कलर का ट्री है एंड ये येलो लाइक स्ट्रक्चर है, येलो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, ये येलो स्ट्रक्चर्स, ये हैं हमारे पास स्केल्स दिख रही, ये माइन्यूट स्केल्स, ये जो हैं लीव्स जो हैं रिड्यूस हो गए हैं स्केल फॉर्म में, ठीक है। ये जो है ये ग्रो कर रहा है दूसरे ट्री पे, होस्ट है ये क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। अब हमने बोला कि ये रेडीमेड फूड एब्जॉर्ब करता है, होस्ट से लेता है अपना खाना, तो जिस पे ये रहता है या जिस पे ये क्लाइम करता है, ठीक है बच्चों। ये अपना खाना एब्जॉर्ब करता है होस्ट प्लांट से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं होस्ट प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करने में। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, होस्टोरिया, HUSTORIA, ठीक है। ये था हमने आज पढ़ा, ये हमने पढ़ा पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। स्टूडेंट्स एक और पैरासिटिक प्लांट है हमारे पास रेफ्लेशिया, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोर बेयरिंग प्लांट है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोर इस प्लांट पे क्या होता है, ग्रो करता है, जिसका कि डायामीटर कितना होता है 106 सेंटीमीटर एंड इट वेट्स अप टू 10 kg। ये है हमारे पास डायग्राम रेफ्लेशिया की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोर बेयरिंग प्लांट रेफ्लेशिया। ये भी क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हमने पढ़े थे, हमने हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो पढ़ा था हमने उसमें भी पढ़ा था। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं, हमें पता चल रहा है नाम से पता चल रहा है, इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट, इंसेक्ट आ रहा है, जो इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसी न्यूट्रिशन मैथड, एक मैथड जिसमें क्या है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना भी बनाते हैं, लेकिन वो क्या है, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर नाइट्रोजिनस फूड। उनको हम क्या बोलते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, जो अपना खाना खुद भी बनाते हैं और इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड है नाइट्रोजिनस फूड के लिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये इनमें क्या होता है, ये अपना खाना खुद जब बना भी सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं ये, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट्स पे क्यों फीड करते हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ एरियाज में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ एरियाज में क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो जो प्लांट्स उस एरिया में ग्रो कर रहे होते हैं उनको नाइट्रोजन लेने के लिए आउटसाइड सोर्सेज पे क्या करना पड़ता है, फीड करना पड़ता है उनको, आउटसाइड बाहर सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी नाइट्रोजन, अपने नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो पूरा कर सके। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, डेट इज पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। सपोज हम पिचर प्लांट की बात कर लें, इसमें क्या है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक मॉडिफाइड पार्ट है, किसका, लीफ का, एक लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है। इसमें क्या होता है, लीफ की टिप जो होती है वो मॉडिफाई हो गई होती है इन द फॉर्म ऑफ लिड, लिड की शेप में कन्वर्ट हो गई होती है, और जो कि पिचर के माउथ को ओपन और क्लोज करती है, और जो पिचर का इनर सरफेस है
अंदर वाला पोर्शन है उसमें हेयर्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्ट होते हैं, लाइक दिस। है ना डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दी गई है, पिक्चर ये है लीफ का अपेक्स जो कि पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई है। ये है इसकी लिड है जो कि माउथ को, पिक्चर के माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है। अब होता क्या है कि जब इंसेक्ट पिक्चर के अंदर एंटर करता है तो इसकी लिड क्या होती है, वो क्लोज हो जाती है, और जो पिक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं वो इस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। और जब फिर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस पिक्चर के अंदर स्क्रीट होते हैं वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, सॉरी पिक्चर प्लांट जो है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट जो टॉपिक बचा है हमारा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।